आज अभी हम एक ऐसा ध्यान करेंगे जो हमें अवसाद, डिप्रेशन, चिंता ऐसे सभी भावना से बाहर निकालेगा और हमें विश्वास से भर देगा, आस्था से, आनंद से और संतोष से भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ध्यान में आप भूल जाएंगे आप कौन हैं। आप केवल एक आत्मा है। तो आत्मा स्वरूप में रहकर हम इस ध्यान को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए या लेट जाइए। कुर्सी पर टिक कर भी बैठ सकते हैं। और अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को आकाश की तरफ खोल दीजिए। पैरों को बस यूं ही लटका दीजिए। और अब आप तैयार हैं इस ध्यान के लिए। गहरी और हल्की सांसें खींचिए, गहरी और हल्की सांसें छोड़िए। इनहेल फ्रॉम योर माउथ, मुंह से सांसों को खींचिए और नाक से सांसों को छोड़ दीजिए। एक बार और मुंह से गहरी सांस खींचिए, नाक से गहरी सांसों को छोड़ दीजिए। एक बार और मुंह से गहरी सांसों को खींचिए, नाक से गहरी सांसों को छोड़ दीजिए। अब इसके ठीक विपरीत नाक से गहरी सांसों को खींचिए और मुंह से गहरी सांसों को छोड़ दीजिए। फिर से एक बार और अब आपका मन शांत होने लगा है, आपकी चेतना शांत होने लगी है। शरीर को हर तरह से ढीला छोड़ दीजिए। आपकी जुबान अगर तालियों से चिपकी हुई है, ढीला छोड़ दीजिए। माथे पर कोई भी कसावट है, ढीला छोड़ दीजिए। कंधे अगर तैनात है तो उसे भी ढीला छोड़ दीजिए। घुटने, पंजे, आपका सीना, आपका पेट, कहीं भी कोई भी स्टफनेस है उसे प्रेम के साथ ढीला छोड़ दीजिए। इस माता प्रकृति के गोद में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। और क्योंकि आपको ये महान अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए पूरे हृदय से पूरी प्राणों से पूरे धन्यवाद भाव से एक आत्मा स्वरूप बनकर आत्मा के तरफ से आत्मा के जरिए आत्मा में ही समावेश होकर परमात्मा से कहिए धन्यवाद, 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 शुक्राना, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब अपने आप को परमात्मा में समर्पित करने के लिए
इस ब्रह्मांडीय चेतना में समर्पित करने के लिए दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। दोनों हाथों को जोड़कर अब फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। हे परमात्मा, मैं इस संसार में आपके लिए आपकी प्रेरणा से, आपकी कृपा से, आपके ही मार्गदर्शन से हूँ। हे प्रभु, मेरा ये मिट्टी का शरीर आपका ही दिया हुआ है। ये शरीर आपके चरणों की धूल से ही बना है। हे परमपिता, मेरे शरीर को महान सेहत का वरदान दीजिए। जाने अनजाने मुझसे कोई भी भूल हुई हो अपने इस शरीर के प्रति, उसे क्षमा दान देकर महान प्राण ऊर्जा का वरदान दीजिए। मेरे शरीर को प्राण ऊर्जा से भर दीजिए। हे प्रभु, अब से मैं अपने सांसों को पूजा बना लूंगी। अपने हर सांस के साथ मैं आपके साथ जुड़ाव को महसूस करूंगी। जब भी मुझे याद आएगा, मैं गहरी और लंबी सांस लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे लिए सर्वोत्तम उपहार आपके द्वारा जो दिया गया है वो है ये प्राण, ये श्वास, ये वायु। और मैं ये भी जानती हूं कि गहरी सांस खींचने से मेरे ये श्वास मूलाधार चक्र तक जाते हैं, मेरे ये प्राण मूलाधार चक्र तक जाते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धा चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक प्राणों को भर दीजिए। प्रभु, मेरे हर श्वास में प्राण ऊर्जा को भर दीजिए प्रभु, क्योंकि अब मैं जानती हूँ आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है और मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, खुशियों से भर रहा है, संतोष से भर रहा है। अब मैं जानती हूँ कि मेरे साथ आप चल रहे हैं, मेरे पीछे आप चल रहे हैं, मेरे आगे आप चल रहे हैं, मेरे दाएं बाएं आप चल रहे हैं और मेरे ऊपर आपका हाथ हमेशा छत्र छाया बनकर है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करिएगा कि मैं भूल गई थी कि मैं आपकी ही संतान हूँ। मेरे अंदर जो अविश्वास पनपा था, जो आपको लेके शिकायत पनपी थी, जो खुद को लेकर कमजोरी पलपी थी, जो संसार और इस वातावरण को लेकर असंतोष पनपा था, वो सब अब साफ हो रहा है, शांत हो रहा है, क्लीन हो रहा है। मेरी अंतरात्मा पूरी तरह से स्वच्छ हो चुकी है। अब मैं अति संतोष, अति आनंद से भरी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि अब मेरे आसपास सब अच्छा हो रहा है। अब मैं जानती हूँ कि मेरे आसपास सब सुखद हो रहा है। अब मैं जानती हूँ कि मुझसे जुड़कर भी लोगों को वैसा ही महसूस होने लगा है जैसा अब मैं आपसे जुड़कर महसूस करने लगी हूँ। हे ब्रह्मांड, हे प्रकृति, हे ग्रह नक्षत्र, हे फूल पौधे,
हे माता भूमि, हे जल देवता, हे महान सूर्य, हे पंच महाभूत, मैं आपको साक्षी मानकर अपने परमात्मा को अपना विश्वास समर्पित करती हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ कि इस जीवन में जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी मेरे साथ घटा है, जो भी चीज़ें बीती है, वह सब मेरे ही कर्मों का परिणाम था। और क्योंकि अब मुझे इस बात का आभास हो चुका है, मैं पूरी तरह से परमात्मा के शरण में आ चुकी हूँ। मेरे सारे कर्म कट चुके हैं, सारे गलतियों के लिए क्षमादान मुझे मेरे परमात्मा दे चुके हैं, और अब मेरे साथ मेरे परमात्मा खड़े हैं। सब अच्छा हो गया है, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा होता रहेगा। इस प्राण पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं अब एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक जीवंत आत्मा हूँ, मैं आनंदमय आत्मा हूँ, मैं खुशियों से भरी हुई आत्मा हूँ, मैं प्रकाश से भरी हुई आत्मा हूँ जो हर तरफ रोशनी फैलाती है। हे परमात्मा, धन्यवाद मुझे फिर से प्रज्वलित करने के लिए, फिर से ओजवान बनाने के लिए। हे प्रभु, मैं आपकी संतान आपको अपना प्रेम समर्पित करती हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा आपने हम सब के साथ प्रेम किया है। मुझे अपने जैसा प्रेममय बनने का आशीष दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए और अपने हाथों को अपने माथे पर, आँखों पर, नाक, मुंह, कान, त्वचा, सभी इंद्रियों के साथ जोड़कर अपनी सारी प्राण ऊर्जा को भीतर सोख लीजिए। और अब आप इस सुखी जीवन के लिए तैयार हैं। नमस्ते।